हेलो गाइस टेक चैनल पर आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में में हम देखेंगे 2021 में जो टीसीएस की एनक्यूटी एग्जाम हुई थी उसमें कौन से कोडिंग क्वेश्चन कौन से प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते आज का हमारा ट्यूटोरियल तो ये था एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोस्तों जो हमने जिन स्टूडेंट्स ने एनक्यू दी थी जिन स्टूडेंट्स ने 19 फरवरी को एनक्यू दी थी उन स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन हमने लिया है देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है फाइंड द एन टर्म ऑफ सीरीज विच मेड अप ऑफ नंबर दैट आर डिविजिबल बाय टू और थ्री और फाइव वन इज इंक्लूडेड इन सीरीज मैक्सिमम थाउजेंड टर्म्स इन सीरीज तो हमें क्या आउटपुट देना है हमें य टर्म फाइंड करनी है कौन कौन सी एन टर्म उस सीरीज की एन टर्म फाइंड करनी है जिस सीरीज में इलेमेंट्स है जो कि टू और थ्री और फाइव यानी कि जो इलेमेंट्स है सीरीज में वो टू से भी डिवाइड हो सकते हैं या फिर टू और थ्री से भी हो सकते हैं या अकेले थ्री से भी हो सकते हैं या फिर टू थ्री फाइव तीनों से हो सकते हैं इन तीनों में से किसी भी एक नंबर से अगर वो कोई नंबर डिवाइड होता हो तो वो नंबर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो देखिए सीरीज क्या होगी और यहाँ क्या दिया है कि सीरीज में वन इंक्लूडेड है ऑलरेडी तो सीरीज क्या होगी वन ऑलरेडी इंक्लूडेड है बाकी के नंबर कैसे आएंगे हम चेक करेंगे कोई नंबर को टू थ्री और फाइव से डिवाइड होता है कि नहीं देखिए टू 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 से डिवाइड होता है यानी सीरीज में टू इंक्लूड हुआ थ्री को थ्री से डिवाइड होता है यानी थ्री इंक्लूड हुआ फोर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं यानी फोर भी इंक्लूड हुआ फाइव को हम फाइव से डिवाइड कर सकते हैं यानी फाइव भी इंक्लूड हुआ सिक्स को हम टू और थ्री दोनों से डिवाइड कर सकते हैं यानी कि सिक्स भी इंक्लूड हुआ सेवन सेवन को हम टू थ्री फाइव इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए सेवन सीरीज में नहीं है नेक्स्ट नंबर आ गया एट तो एट को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं इसलिए एट भी इंक्लूड हुआ नाइन को हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं इसलिए नाइन इंक्लूड हुआ टेन को हम टू से भी कर सकते हैं और फाइव से भी कर सकते हैं इसलिए टेन भी इंक्लूड हुआ इस तरह से हम थाउजेंड टर्म्स तक जाएंगे ये सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी टर्म तक जितने भी हम चेक करेंगे कि टू से डिवाइड होता है थ्री से होता है या फाइव से होता है तीनों में से किसी एक से भी हो तो भी चल जाएगा तो एग्जाम्पल देखिए अगर हमें यं सेवन है तो यं टर्म क्या होगी एट होगी देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ सेवन टर्म कौन सी है एट लेकिन हम अगर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में देखने जाएंगे प्रोग्रामिंग की व्यू से देखने जाएंगे तो ये एट टर्म यानी अगर हम ये सीरीज को एज आर पकड़ ले तो ये एट कौन से पोजीशन पे आएगा कौन से इंडेक्स पे आएगा सिक्स इंडेक्स पे आएगा कैसे देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी अगर हमें सेवन टर्म फाइंड करनी है तो हमें सेवन माइनस वन इंडेक्स देखना पड़ेगा अगर हमारे ये सीरीज इस अरे का तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है पहले तो हमें इनपुट क्या लेना है ज ए इनपुट लेना है मतलब कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है उसका इनपुट लेना है आउटपुट क्या देना है टर्म का आउटपुट देना है पे कौन सा इलेमेंट है कौन सा नंबर है वो हमें आउटपुट देना है और सैंपल के सामने देख ली है कि सेवेंथ पोजिशन पे एट नंबर है तो चलिए प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूं ऑनलाइन सी का कंपाइलर है ये जिसमें मैंने हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूड कर ली है और इंट मेन के अंदर मैं अभी देखिए क्या करूंगा एक एक स्टेप वाइज में आपको बताता हूं यहां मैंने कमेंट्स भी लिखे है जैसे आप पढ़ सकते हैं क्या स्टेप हम करेंगे पहले तो हम एक अरे बनाएंगे जिसमें वो नंबर स्टोर करेंगे सीरीज ऑफ नंबर और बाकी के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर देंगे देखिए अरे डिक्लेयर कर देता हूं मैक्सिमम क्या साइज है थाउजेंड फिर i इक्वल टू वन जे इक्वल टू टू और यन ये वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिया दो वेरिएबल्स दो डिक्लेयर कर दिए ये मैं आपको बताऊंगा आई इक्वल टू वन और जे इक्वल टू टू मैंने क्यों लिया मैं अभी आपको बताऊंगा फिलहाल देख लीजिए पहले हम क्या करेंगे इनपुट लेंगे यन का हमें क्या करना है इनपुट लेना है यन नंबर जो हमें यन टर्म फाइंड करनी है वो तो कैसे लेंगे स्कैन एफ आपको पता ही है अगर आपको पता नहीं सी कैसे यूज करते हैं तो आप हमारा सी का ट्यूटोरियल देख लीजिए देखिए हमने इनपुट ले लिया और वो यन में स्टोर कर दिया फिर हम क्या करेंगे हमें पता है हमें बताया गया है कि आर में वन इंक्लूडेड है ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इलिमेंट अरे का वन लिख कर देंगे तो कैसे अरे का फर्स्ट इलेमेंट यानी कौन सा इंडेक्स जीरो इंडेक्स को हम क्या वैल्यू देंगे वन वैल्यू असाइन कर देंगे अरे के जीरो इंडेक्स को तो हमारा फर्स्ट इलेमेंट ऑलरेडी पता है हमें क्या है वन तो हमने वो डाल दिया अरे में एज अ फर्स्ट इलिमेंट जीरो इंडेक्स पे तो अभी हमारा फर्स्ट इलेमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है तो इसलिए मैंने आय वन लिया आई जीरो नहीं लिया क्योंकि जीरो आई मीन इंडेक्स ऑफ अरे, तो जीरो इंडेक्स तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है वन है तो इसलिए हमने आई को वन डिफाइन कर दिया और जे क्या है जे है नंबर तो हमें पता है हम क्या करेंगे नंबर यानी कौन से नंबर वन टू थ्री फोर ये नंबर तो हमें पता है कि वन ऑलरेडी है सीरीज में तो हम जे भी कहा से नंबर्स भी कहा से स्टार्ट करेंगे टू से स्टार्ट करेंगे इसलिए जे इक्वल टू टू ले लिया अभी हमने आरे का फर्स्ट इलेमेंट आरे में डाल दिया तो अब हमें क्या करना है बाकी के इलेमेंट्स भी सीरीज के एलिमेंट्स वो आरे में डालने हैं जो कि डिविजिबल बाय टू है थ्री है या फाइव है टू और थ्री और फाइव टिल कौन से नंबर तक हमें ऐड करने है यंथ इलेमेंट तक तो देखिए मैं यहां क्या करूंगा वाइल लूप यूज करूंगा वाइल कब तक मैं वाइल्ड लूप यूज करूंगा जब तक आय ये यन से ले से जब तक क्योंकि हमें यन इलेमेंट टर्म फाइंड करनी है तो मैं सिर्फ उस टर्म तक ही वो लूप रन करूंगा अगर वो टर्म मिल जाएंगी हमारा काम हो जाता है तो देखिए वाइल्ड लूप के अंदर मैं क्या करूंगा अभी एक एक एलिमेंट चेक करूंगा देखिए पहले हमने जे दो ऑलरेडी डाल दिया है जे में तो मैं क्या करूंगा इफ जे का मॉड्यूल जे डिवाइड बाय टू का मॉडुलस जीरो आता है मींस जे को टू से डिवाइड होता है और जे को थ्री से डिवाइड होता है मींस जे डिवाइड बाय थ्री का मॉडुलस जीरो आता है और जे को फाइव से डिवाइड होता है अगर जे को टू से डिवाइड हो और थ्री से हो या फाइव से हो किन्नी भी एक में से हो गया दो से हो गया तीनों से हो गया तो भी चलेगा फिर वो मैं कंडीशन क्या कर डाल दूंगा फिर अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है जे को किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जे इस आरे में स्टोर हो जाएगा आरे में हमारी पहली वैल्यू क्या है वन आय डाल दूंगा यहाँ अरे के आई इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा तो आरे का आई इंडेक्स हमने वन से स्टार्ट किया है क्योंकि हमने जीरो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है तो क्या स्टोर हो जाएगा आरे के उस पोजीशन पे हमारा नंबर जो भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं तो पहला नंबर कौन सा है हमारा टू है क्योंकि वन ऑलरेडी यहां चला गया है तो जे और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है एक नंबर अरे में स्टोर हो जाता है तो हमारा आय क्या होगा वन से इंक्रीमेंट होगा तो आई प्लस प्लस जब नंबर ऐड होगा तभी आय हमारा वन से इंक्रीमेंट होगा हो गया फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे जे वो इफ के बाहर जे प्लस प्लस तो हमने क्या कर लिया अगर जे को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है तो जे हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो देखिए ये रन कैसे होगा पहले टू आ जाएगा फिर टू को टू से डिवाइड होता है तो टू को हम स्टोर कर देंगे फिर जे बढ़ जाएगा फिर थ्री आ जाएगा थ्री को भी थ्री से डिवाइड होता है तो हम थ्री भी स्टोर कर देंगे फिर आई भी बढ़ जाएगा जे फिर बढ़ जाएगा फोर हर एक लूप में जे बढ़ता जाएगा लेकिन आय तभी बढ़ेगा जब हमारी जे को कोई भी नंबर से डिवाइड हम कर सकेंगे तब अभी हम लूप के बाहर आ जाएंगे और हमें आउटपुट क्या देना है यं टर्म तो देखिए मैं क्या करूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी ये हमने कहा तक यन इंडेक्स तक स्टोर कर दी है वैल्यू इस अरे में तो हमें क्या करना है यं टर्म देनी है अगर हम प, हमें पता है कि सी में इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो अगर हमें यं टर्म चाहिए तो हमें कौन से इंडेक्स की वैल्यू लानी पड़ेगी यन माइनस वन इंडेक्स की तो हम यहाँ क्या करेंगे अरे यन माइनस वन की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये होगा हमारा पूरा प्रोग्राम देखिए अभी मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूं हमें करेक्ट आउटपुट मिलता है कि नहीं देखिए यहां मैंने रन कर दिया सॉरी तो यहां सेमिकोलन बचा है देखिए देखिए यहाँ रन कर दिया अभी मैं सेवन डाल दूंगा इनपुट इंटर कर देता हूं देखिए सेवन इनपुट दे दिया आउटपुट आ गया एट अगर मैं इनपुट देखिए फिर से एक बार रन कर देता हूं अगर मैं इनपुट टेन दूंगा और रन कर दूंगा तो आउटपुट देखिए ट्वेल्व आउटपुट आ जाएगा ये हमारे सीरीज में देखेंगे देखिए टेंथ पोजीशन पर क्या है देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पोजीशन पर ट्वेल्व है हमारा आउटपुट ट्वेल्व आ गया तो ये हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा अगर आपको और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी हमें कमेंट में बताए और आपकी अगली टी सी एस के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में तब तक के लिए कीप कोडिंग